हादसे से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एसडीएम, सीओ और साथी तहसीलदार समेत 6 ऑफिसर निलंबित किए गए हैं। साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, गहन जांच की जरूरत है, ये रिपोर्ट में कहा गया। आयोजकों की लापरवाही से हाथरस हादसा हुआ। इसके अलावा भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे, ये भी खुलासा रिपोर्ट में हुआ है। सीनियर अधिकारियों को नहीं दी गई जानकारी। इसके अलावा इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज की लापरवाही भी सामने आई है। कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया है। आयोजक मंडल से जुड़े लोग अव्यवस्था फैलाने के दोषी पाए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी का गठन किया गया था जो कि पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी। साजिश है या फिर यह हादसा है, इस एंगल से जांच की जा रही थी। अब एसआईटी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, कई बड़ी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई। पहला तो ये कि 6 ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है, और जो दूसरा बड़ा फैक्टर है, बाबा का नाम इस पूरे रिपोर्ट में नहीं है, यानी कि बाबा को क्लीन चिट मिलती हुई नजर आ रही है एसआईटी रिपोर्ट में। और साथ ही जो मुख्य आरोपी है वो आयोजकों को माना जा रहा है कि जितनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था, क्योंकि जितनी परमिशन ली गई थी 80,000 लोगों की, उससे ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे, 2.5 लाख के करीब लोग पहुंचे थे, उतने इंतजाम नहीं किए गए थे। एक बड़ा खुलासा हाल ही में यह भी हुआ कि 60,000 लोगों के ही बैठने का इंतजाम किया गया था, उन्हीं की व्यवस्था की गई थी। अब ऐसे में जितनी परमिशन ली गई उससे भी कम लोगों के बैठने की और पहुंचने की व्यवस्था की गई थी, और करीब 3 गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे। ऐसे में वो पुलिसकर्मी और अधिकारियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिन पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन 6 ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। तो किन किन पर गाज गिरी है ये आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं। और साथ ही जो बड़ा फैक्टर निकल कर आया है, सबसे बड़ी लापरवाही, वो यही कि जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे उतने इंतजाम नहीं किए गए, भीड़ को कंट्रोल करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई, ना कुछ इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने परमिशन तो दी लेकिन प्रशासन ने वहां पर जाके नहीं देखा, और ये भी एक बड़ा आरोप प्रशासन पर लगा है, जिसके बाद में अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। हाथरस हादसे में एसआईटी रिपोर्ट के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन देखने को मिला। हाथरस हादसे को लेकर 6 ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं रिपोर्ट में हादसे के पीछे साजिश के एंगल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में हादसे के पीछे की मुख्य वजह आयोजकों की लापरवाही और निचले स्तर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की अनदेखी मानी गई है। इसे लेकर भी एसडीएम से लेकर सीओ और इंस्पेक्टर तहसीलदार समेत 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए। वहीं इस रिपोर्ट में जिले के सीनियर अफसरों को कहकर क्लीन चिट मिल गई है कि ग्राउंड लेवल अफसरों ने उन तक आयोजन को लेकर सही जानकारी पहुंचाई ही नहीं थी। वहीं रिपोर्ट में हादसे को लेकर बाबा की भूमिका पर कुछ नहीं कहा गया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर नारायण साकार हरि को कैसे क्लीन चिट मिल गई। हाथरस हादसे को लेकर गठित एसआईटी की टीम की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश हो गई है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। इस एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर 6 स्थानीय अफसरों को निलंबित किया है, उसमें एसडीएम शामिल हैं और सीओ शामिल हैं, तहसीलदार शामिल हैं, और उसके अलावा स्थानीय थानेदार समेत 6 लोगों पर निलंबन की गाज गिरी है। दरअसल जो ये एसआईटी की रिपोर्ट है, इसमें जो सबसे अहम बिंदु है वो ये सामने आया है कि जो आयोजक मंडल है उनकी लापरवाही मुख्य रूप से सामने आई है। जो आयोजक मंडल रहा, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया, उन्होंने जो परमिशन ली आयोजन के लिए, उस परमिशन की जो शर्तें हैं उनका सीधे तौर पर उल्लंघन किया। दरअसल एसआईटी की टीम ने 125 लोगों से ज़्यादा के बयान स्थली निरीक्षण करके वहां पर नोट किए, उस बयान के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट विस्तृत तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट के आधार पर अगर माना जाए तो मुख्य रूप से जो भूमिका मिली है वो आयोजक मंडल की मिली है, और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है उसकी लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल स्थानीय प्रशासन में खासकर जो एसडीएम हैं, सीओ हैं, उन्होंने परमिशन देने के बाद मौके पर स्थली निरीक्षण नहीं किया, और जो आयोजक मंडल था उसने परमिशन की शर्तों का उल्लंघन किया, और जो वहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, जो आगंतुक वहाँ पर जो आए हुए थे इस सत्संग में, उनके लिए ना तो बैरिकेड की व्यवस्था की गई थी और ना ही सही से सुव्यवस्थित तरीके से बैठने का कोई इंतजाम थे।
जो संख्या बताई गई थी उससे कई गुना लोग इस सत्संग में ज्यादा आ गए। इसकी आयोजक मंडल ने कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी और प्रशासन ने भी मौके पर स्थलीय निरीक्षण नहीं किया। तो ऐसे में इस एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर जहां एक तरफ आयोजक मंडल पर लगातार कार्रवाई जारी है और वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन के 6 अफसर, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, थानेदार समेत 6 लोग निलंबित कर दिए गए हैं। ये कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। इस सोसाइटी की रिपोर्ट के आधार पर अभी न्यायिक जांच आयोग की भी रिपोर्ट आनी है और इनमें अगर एक बात और जो सबसे अहम है वो है एसआईटी की टीम की जो रिपोर्ट है उसमें साजिश की बात भी कही गई है, यानी कि इस घटना में किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु इस एसआईटी की रिपोर्ट में दर्ज है। वहीं बीजेपी की तरफ से एक्शन को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आपको सुनाते हैं। हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेहद संवेदनशील हैं। जिस दिन घटना हुई उन्होंने तत्काल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा, स्वयं अगले दिन वहां पर गए, देखभाल करी, घायलों की देखभाल करी और परिजनों को घर भिजवाने की व्यवस्था करी। साथ ही साथ कड़े निर्देश दिए थे कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि हाथरस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ सामने आया है। सबसे पहली बात तो ये कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ी बात, और दूसरा कि विशेष जांच की जरूरत है, ये भी टीम ने कहा। आयोजकों की लापरवाही रही है, भीड़ बुलाई गई और इंतजाम नहीं किए गए, अव्यवस्था के लिए आयोजक जिम्मेदार हैं, सीनियर अफसरों को जानकारी नहीं दी गई थी। ये बड़ी बातें हैं जो निकलकर सामने आई। इसमें बाबा के नाम का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया। अब लोगों के मन में सवाल यही है कि क्या बाबा को क्लीन चिट मिल गई है या बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एसआईटी की रिपोर्ट में भी हादसे के पीछे किसी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साजिश का पता लगाने के लिए ज्यादा गहन जांच की जरूरत है। वहीं न्यूज 18 की पड़ताल में हाथरस कांड में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब आयोग को भगदड़ कांड के कई वीडियो मिले, भगदड़ के पीछे एक खतरनाक छिड़काव की बात भी सामने आई। किसने लगाए इन जहरीले स्प्रे के आरोप, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाबा सूरजपाल ने ऐसा सब्ज भाग दिखाया कि देखते ही देखते उसके भक्त लाखों में हो गए। सूरजपाल सीक्रेट रहकर अंधी आस्था का साम्राज्य खड़ा कर चुका था, लेकिन कोई भी बात लीक ना हो इसके लिए बाकायदा सेंसर बोर्ड बनाया। बाबा के सेंसर बोर्ड का चीफ कोई और नहीं, वही देव प्रकाश मधुकर बताया जा रहा है, जो हाथरस कांड का मुख्य आरोपी है। देव प्रकाश मधुकर के बाद इस बोर्ड में सबसे अहम जिम्मा बाबा की पिंक पल्टन की होती थी, जो महिला भक्तों के बीच मौजूद रहती थी। बाबा के सेंसर बोर्ड में उसकी ब्लैक कमांडो फोर्स, जिन्हें गरुड़ कमांडो कहते हैं, उन्हें भी सब पर निगरानी रखनी होती थी। बाबा की नारायणी सेना भी सेंसरशिप में अहम रोल निभाती थी। बाबा आश्रम की चार दीवारी के भीतर क्या करता था इसका पता किसी को ना लगे, इसके पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन बाबा की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। सूरजपाल जाटव की धाक जब जम गई थी तब उसने सरकारी खजाने को भी जमकर चूना लगाया। आरोप लग रहे हैं कि बाबा के ज्यादातर आश्रम में बिजली चोरी करके इस्तेमाल की जाती है। राजस्थान के दौसा आश्रम में बाबा के कटियाबाज सेवादार चोरी से बिजली का इस्तेमाल करते पकड़े गए थे, तब बाबा के आश्रम का कनेक्शन भी काट दिया गया था। इसके बाद भी बाबा के सेवादारों ने बिजली चोरी करनी बंद नहीं की थी। दौसा आश्रम के आसपास की जमीन पर अवैध कब्जा करने के भी आरोप बाबा और उसके आश्रम पर लग चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी बाबा को बचाने की कोशिशें जारी हैं। बाबा के वकील एपी सिंह हाथरस भगदड़ कांड में नई साजिश के दावे के साथ फिर से मैदान में उतर आए हैं। एपी सिंह का ये दावा बेहद सनसनीखेज और हैरतअंगेज है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप बड़ा दावा आप कर रहे हैं? ये बहुत घटना को लेकर बड़ा दावा नहीं, ये गंभीर
जांच का विषय है और उसके साथ दावा भी है। यहाँ पर महिलाओं की तरफ 14, 15, 16 के करीब लोग इस तरह से रहे थे, हट्टे कट्ठे थे, मजबूत थे, क्योंकि एक टीम बना के किया गया। क्योंकि इतनी अधिक मौतों को प्लान के साथ, एक को गिराना नहीं था, दो को गिराना नहीं था, चार को गिराना नहीं था, ये स्प्रे लेके, जहरीली पॉइजनिक स्प्रे लेके जो ऐसे करके किया गया था, जिससे इतनी जघन्य मौतें हुई हैं। किरण, ये बताइए कि बाबा के वकील की तरफ से कहा गया कि वहां पर स्प्रे किया जा रहा था, बेहोश हो जाएंगी महिलाएं और उसके बाद जो है वो गिरते पड़ती चली गई। नहीं सर, ये गलत है। वहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला नहीं था, वहाँ पर सारे लोग अपने बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नजदीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी। एपी सिंह के दावे और दलीलों से अलग हाथरस कांड की जांच तेज हो चुकी है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने कई लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। हादसे वाली जगह से ढेरों सबूत भी जुटाए जा चुके हैं। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उससे साफ है कि बहुत जल्द बाबा रेडार पर आने वाला है। फिर बाबा के अंडरग्राउंड अड्डे तक पुलिस पहुंचेगी और फिर बाबा की शामत आनी तय है। जिन आयोजकों को एसआईटी रिपोर्ट में हादसे के पीछे जिम्मेदार ठहराया गया, वो लंबे वक्त से बाबा के कार्यक्रमों का आयोजन कराते आ रहे हैं और बाबा के कार्यक्रम में पुलिस व्यवस्था जितनी कम दिखती थी, भीड़ को संभालने के लिए बाबा की प्राइवेट आर्मी उतनी ही ज्यादा रहती थी। शाकाहारी बाबा की अपनी फौज है, हल्के गुलाबी रंग के पैंट शर्ट और पुलिस बेल्ट, हाथ में लाठी और साथ ही सीटी लेकर हजारों की संख्या में इनके स्वयंसेवक कार्यक्रम स्थल और साथ ही सड़कों पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहते थे। एक नजर में देखने में ये किसी होमगार्ड जैसे ही दिखाई देते थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। बाबा के किस्सों में सबसे अहम किस्सा जो है वो है उसकी प्राइवेट सेना का। इसमें ब्लैक कमांडो से लेकर सिक्योरिटी अफसर तक की वो तैनाती करता था। बाबा सूरजपाल की प्राइवेट आर्मी में नारायणी सेना, हरिवाहक और गढ़ योद्धा नाम की 3 टुकड़ियां हैं। बताया जाता है कि नारायणी सेना के सुरक्षा गार्ड गुलाबी रंग की ड्रेस पहनते हैं, हरिवाहक दस्ते के सुरक्षा गार्ड भूरे रंग की ड्रेस पहनते हैं, जबकि गरुड़ सेना काली ड्रेस पहनती है। इन्हें ही ब्लैक कमांडो कहा जाता है। सबसे बाहरी सुरक्षा पिंक आर्मी करती है, फिर हरिपाहक दस्ता होता है। बाबा के सबसे करीब गरुड़ योद्धा यानी कि ब्लैक कमांडो रहते हैं। बाबा की नारायणी सेना यानी पिंक आर्मी में 5,000 लोगों की तैनाती होती है। वहीं हरिवाहक सेना की टुकड़ी में 25 से 30 सिक्योरिटी अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही गरुड़ योद्धा यानी ब्लैक कैट कमांडो की संख्या 100 होती है। जिस तरह से आर्मी में कई बटालियन बनाई जाती हैं, कई प्लाटून बनाई जाती हैं, इसी तरह से बाबा की सुरक्षा में भी प्लाटून तय बनाई जाती थी, जो कि उनकी सुरक्षा में आगे पीछे लगती थी। ब्लैक कमांडो, गरुण कमांडो, नारायणी सेना, ऐसे कई नामों से बाबा की सुरक्षा में तैनात जो लोग लगाए जाते थे उनको ये कैडर दिया जाता था। अब हम आपको दिखाएंगे, ये एक पेपर है, इस पर साफ तौर से आप देख सकते हैं नारायण सरकार का नाम लिखा हुआ है सदा, और ये प्लाटून नंबर 1 है, प्लाटून नंबर 1 सेक्शन 1, इस पे सभी के नाम है जो बाबा की प्लाटून नंबर 1 में लगे हुए थे और सेक्शन 1 है, ऐसी कई तरह से। और नीचे भी आप देख सकते हैं, इस पे साफ तौर से दिख रहा है प्लाटून नंबर 1 और सेक्शन 2। आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में लगभग 11 लोग हैं, 11 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम और उनका पता और उनके मोबाइल नंबर और सेवा, जहां उनकी सेवा लगी हुई है बाकायदा, उसमें साफ तौर से देख रहे हैं आपकी पूरा समीक्षा रिपोर्ट भी है। इसमें कुसुम देवी ने इस पूरे की समीक्षा की है और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। जिस तरह से आर्मी में बटालियन बनाई जाती है, वैसे ही बाबा की सुरक्षा में प्लाटून बनाए जाते हैं जो उनकी सुरक्षा में लगे रहते थे। ब्लैक कमांडो, गरुण कमांडो, नारायणी सेना, ऐसे कई नामों से सुरक्षा में तैनात लोगों को कैडर दिया जाता था। बाबा की आर्मी में उनके अनुयायियों को ही शामिल किया जाता है। उसकी प्राइवेट आर्मी में 18 से 40 साल के युवक ज्यादा होते हैं। इन्हें ड्रेस दी जाती है जिसके साथ में सीटी और डंडा भी होता है। बाबा की सुरक्षा 3-लेयर सिक्योरिटी में सबसे करीब कमांडो रहते हैं और बाबा की सुरक्षा और सत्संग में तैनात उसकी निजी सेना के जवान भीड़ को अपने कंट्रोल में रखते थे। यहां तक कि सत्संग का वीडियो बनाने के लिए भी लोगों को रोकते थे।
जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था, ऐसे ही बाबा का ये एक लोगो है, आप साफ देख सकते हैं कि जिस पे पीछे लिखा हुआ है सुदर्शन चक्र उंगली पर छपा हुआ है। ऐसे अहम कागज अहम कार्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये ताराचंद का कार्ड है जो जिला मुख्य सेवादार हैं, जो बाबा की सेवा बाबा की सुरक्षा में लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि इस पे साफ तौर से लिखा है नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, और उंगली पर सुदर्शन चक्र का लोगो है जो कि बाबा का बताया जाता है। ये सुरक्षा में लगा सुरक्षा सेवा में लगी हुई गुड्डी देवी है, ये उनका पहचान पत्र है। मतलब बाबा अपने हर सत्संग में अपनी सुरक्षा की पूरी प्लानिंग बनाकर चलता था, इसके बावजूद भी उसके इन सेवादारों की वजह से हाथरस पे इतना बड़ा हादसा हो गया। हाथ में लाठी और सीटी लेकर हजारों की संख्या में इसकी प्राइवेट आर्मी अगर अपना काम सही से करती तो इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी, यानी सत्संग से जुड़ी हर सुरक्षा की जिम्मेदारी ये प्राइवेट आर्मी करती थी। यही नहीं, बताया जा रहा है कि भगदड़ के वक्त बाबा को सुरक्षित निकाल कर ले जाने वाली यही प्राइवेट आर्मी थी, और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। ऐसे ही एक और कागज यहाँ और भी मौजूद हैं, जो वर्दीधारी भाई बहन सेवादार हैं, इनकी उपस्थिति की सूची बकायदा तैयार की जाती थी। ये पूरे परफॉर्मा बाबा की सुरक्षा में लगने वाले उन सेवादारों के हैं, उन सुरक्षा कर्मियों के हैं, जिनकी सूची ये पूरी तरह से तैयार बाबा के लोग करते थे। आप देख सकते हैं वर्दीधारी भाई बहन सेवादार उपस्थिति सूची, जितने लोग उपस्थित होते थे उनके नाम के आगे ए लगता था, पी लगता था, आप देख सकते हैं साफ तौर से उनका नाम, बल्दियत क्रमांक और उसकी पूरी बाकायदा कई महीनों से इसकी पूरी तैयारी की गई थी। बाबा के रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है, और इन रहस्यों में सबसे दिलचस्प है ये पिंक आर्मी जिसमें 5000 से ज्यादा जवान शामिल हैं, और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा की महिला सेना जिसे बाबा सूरजपाल ने एक खास जिम्मेदारी दे रखी थी। बाबा सूरजपाल के हर सत्संग में इस महिला कमांडो की फोर्स नजर आती थी। सत्संग की थ्री लेयर सिक्योरिटी में इस महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियों का अहम रोल होता था। हाथरस कांड में एक्शन लगातार जारी है, मुख्य आयोजक और 1,00,000 का इनामी मधुकर गिरफ्तार किया जा चुका है, और जांच टीम उससे हर राज उगलवाने में लगी है। उधर अभी तक इस मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, साथ ही दान देने वालों की लिस्ट को भी खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हाथरस कांड पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां पर हाथरस कांड की जांच में तेजी आ चुकी है, तो वहीं पर सियासत भी तेज हो चुकी है। राहुल गांधी ने यहां सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की मांग की, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद हाथरस पहुंचे और शासन प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा समेत कई फर्जी बाबाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करने का काम करेगा। लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से आगाह रहने की अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में बैठक करेगा। इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई भगवान और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। हाथरस भगदड़ हादसे की जांच जारी है। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाथरस हादसे के चश्मदीदों से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए। जांच टीम के साथ चश्मदीदों ने घटना के वक्त की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं। एक दो महिला हमारे पास आई भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर, तो हमें देखते ही हम एक सोचता रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए हम कहाँ आ गए यार जी। घटना उसी से हुई, बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पर गया, उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए। वहीं हाथरस कांड पर सियासत भी जारी है। राहुल गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर मृतकों के परिजनों का मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी हाथरस पहुंचे
और अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। इसके बाद चंद्रशेखर ने मुआवजे की रकम बढ़ाने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। एलआईयू का इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर और दूसरा सरकार अगर निगरानी नहीं रखेगी, सरकार को तो ये पता लग जाता है किसी घर में क्या बना है, किसने कौन से रहते कपड़े पहने, सरकार तो सब कुछ बता देती है। तो इतनी बड़ी मॉब और जो घटनाएं जो हैं घट गई, इतनी बड़ी इतने लोग जान चली गई, इससे पल्ला झाड़ के सरकार काम नहीं चलेगा। इस मामले को संसद में इतने जोर से उठाएंगे कि सरकार को जवाब देना पड़े। और अभी हमने अपने सीनियर नेताओं से कहा कि वो आंकड़े इकट्ठा करें कितने लोगों की जान गई है, टोटल कितने लोग जिनकी जान गई है। और मैंने जो आपसे कहा 80,000 लोगों की जिम्मेदारी, परमिशन में 80,000 लोग थे तो 100 लोगों की भरोसे नहीं छोड़ जा सकती। हाथरस हादसे के बाद से ही बाबा की तलाश जारी है। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में सत्संग का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर समेत कई सेवादार पुलिस की गिरफ्त में हैं।